अपडेट से पहले आपका तो हर एक गन से बहुत ही अच्छा खासा हेडशॉट लग रहा था, बट जैसे आपने गेम को अपडेट किया हर किसी की तरह क्या आपका भी हेडशॉट नहीं लग रहा है, गन बहुत ही ज्यादा इक्वल करने लग रहा है एंड साथ में सिर्फ बॉडी शॉट कनेक्ट हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो आज की ये वीडियो को देखने के बाद आपका हेडशॉट कुछ ऐसे लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा एंड बाकी कुछ ऐसे ही लगेगा। अरे हाँ भाई सच बता रहा हूँ, ऐसा ही लगेगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही चेक कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों के डिवाइस के हिसाब से बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी के बारे में बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी क्रिएटर की तरह ये बता दूंगा कि आप अपने जनरल सेंसिटिविटी को 98 पे सिलेक्ट कर लो एंड रेड डॉट को 20 पे, ऐसा नहीं कहूँगा। आप लोग खुद सोच के देखो, कोई क्रिएटर कैसे बता सकते हैं, उसके पास अलग डिवाइस है, आप लोगों के पास अलग डिवाइस है, तो वो कैसे बता सकता है कि आपको कितना रखना है। आपको आपका जो सेंसिटिविटी आपके डिवाइस के हिसाब से खुद को सेट करना है, वो एक आप लोगों को मिनिमम आइडिया दे सकता है, बट कभी भी जो मतलब एग्जैक्ट नंबर वो नहीं बता सकता। तो चलो बाकियों की बात को छोड़ते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल नीचे से, मतलब फ्री लुक से। तो देखो फ्री लुक से रेड डॉट तक, मतलब जनरल को छोड़ के फ्री लुक से ऊपर तक जो सेंसिटिविटी है, ये हमारे हेडशॉट के साथ कुछ खास इसका रिश्ता नहीं है, तो इसलिए हम लोग हर एक डिवाइस के हिसाब से इसको सेम रखेंगे। मतलब जैसा मैं बताऊंगा सेम ही रख देना, इससे आपका कोई भी हेडशॉट के साथ फर्क नहीं पड़ेगा। जो अलग अलग होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जनरल सेंसिटिविटी जो आपके डिवाइस के हिसाब से अलग अलग होगा। अभी आपके डिवाइस के हिसाब से कितना रखना है, कैसे रखना है, सारा कुछ बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग नीचे का जो सेंसिटिविटी है उन लोगों को क्या रखना है बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। तो देखो फ्री लुक सेंसिटिविटी के साथ हमारा हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए आप लोग फ्री लुक को चाहे 0 रखो या 200 रखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग फ्री लुक का सेंसिटिविटी को सिंपली 50 पे सिलेक्ट कर देंगे, इससे आपके हेडशॉट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्री लुक के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंसिटिविटी निकल के आता है वो है हमारा स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी। तो देखो स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी उस वक्त वर्क करता है जब आप लोग किसी स्नाइपर गन को यूज करते हो एंड वो भी स्कोप खोल के जब उसको आप इधर उधर मूवमेंट कराते हो, तो उस वक्त इसका सेंसिटिविटी वर्क करने लगता है। तो स्नाइपर स्कोप का जो सेंसिटिविटी है उसको आपको 60 पे सिलेक्ट कर देना है। अभी आप लोग चाहो तो 60 से इसको कम कर सकते हो, बट अगर आप लोग 60 से ज्यादा कर दोगे, चाहे आपका कोई भी डिवाइस हो, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ज्यादा मूवमेंट होने लगेगा, तो इसको आपको 60 पे ही सिलेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 4x स्कोप का सेंसिटिविटी। तो देखो 4x स्कोप का सेंसिटिविटी के बारे में आप लोगों को पता ही है, ये उस वक्त वर्क करता है जब आप लोग किसी भी गन के ऊपर 4x स्कोप को लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो देखो अभी 4x स्कोप का सेंसिटिविटी आपको रखना क्या है। तो देखो काफी सारे क्रिएटर हमेशा बोलते हैं, मैंने देखा है कि 4x स्कोप का जो सेंसिटिविटी वो आपको हमेशा हाई पे रखना है, मतलब एकदम मैक्स लेवल पे, पर मैं कहूंगा इसका ठीक उल्टा, आपको कभी भी 4x स्कोप का जो सेंसिटिविटी है उसको हाई पे सिलेक्ट नहीं करना है। देखो 4x स्कोप एक ऐसा सेंसिटिविटी है जिसको अगर आप लोग थोड़ा कम भी रखोगे तभी भी आपका हेडशॉट लग जाएगा, बट अगर इसको आप हद से ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, मतलब एकदम मैक्स लेवल पे कर दोगे, तो उस टाइम हेडशॉट तो दूर की बात, बंदे को आप बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इससे होगा क्या, आपका सारा एमओ एनिमी के सर के ऊपर से जाएगा, मतलब आपका हेडशॉट तो दूर की बात बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको कभी भी 4x स्कोप का सेंसिटिविटी को मैक्स लेवल पे नहीं जाना है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम 180 पे सिलेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट है हमारा 2x स्कोप का सेंसिटिविटी। तो देखो 2x स्कोप का सेंसिटिविटी उस वक्त वर्क करता है जब आप लोग किसी भी गन के ऊपर 2x स्कोप को यूज करते हो। अभी बात करते हैं 2x स्कोप का सेंसिटिविटी का आपको रखना क्या है। तो 2x स्कोप का जो सेंसिटिविटी उसको हमेशा आपको एकदम ही हाई पे रखना है, मतलब 200 पे सिलेक्ट करके रखना है। अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि 4x स्कोप का सेंसिटिविटी को हम लोगों ने कम रखा तो 2x स्कोप का सेंसिटिविटी क्यों हाई पे रखेंगे। तो इसका भी जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं। 2x एक ऐसा स्कोप है जब भी इससे आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो एनिमी के बॉडी के ऊपर 2x स्कोप चिपक जाता है, मतलब एक बार चेस्ट पकड़ लेता है तो कभी भी ऊपर जाके हेड पे एम कनेक्ट नहीं होता है, इस वजह से आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपका 2x स्कोप का सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो इससे आप आसानी से ड्रैग भी कर पाओगे एंड जो एम है वो चेस्ट को छोड़ के हेड पे कनेक्ट भी होगा, इससे आपका हेडशॉट भी लगेगा। तो इसलिए 2x स्कोप का सेंसिटिविटी को बिल्कुल ही हाई पे रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे, 2x स्कोप का सेंसिटिविटी को आपको डिक्रीज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो देखो रेड डॉट सेंसिटिविटी के साथ भी हमारा हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है, तो इसलिए आप लोग इसको कुछ भी रख सकते हो, बट मैं कहूंगा रेड डॉट सेंसिटिविटी को आप लोग 120 से 150 के बीच में रखना, इसके बीच में आप लोग कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा गेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी, जनरल सेंसिटिविटी। तो देखो जनरल सेंसिटिविटी की वजह से ही हम लोगों का गेम पे हेडशॉट लगता है। अगर आप लोग जनरल सेंसिटिविटी को गलत रखोगे तो कभी भी आपका हेडशॉट नहीं लगेगा एंड इसको अगर ठीक तरीके से फाइंड कर पाओगे तो आपका गॉड लेवल हेडशॉट लगेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके डिवाइस के हिसाब से आपको जनरल सेंसिटिविटी कितना रखना है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लो एंड डिवाइस की। तो अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है जिसका रैम 2GB या 3GB है, मतलब थोड़ा सा पुराना डिवाइस है, तो उस पर आपको आपका जो सेंसिटिविटी है नो डाउट आपको 200 पे सिलेक्ट करना है। अभी क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ, लो एंड डिवाइस का सेंसिटिविटी वैसे ही कम होता है, इसको अगर आप लोग और कम कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आपका जो सेंसिटिविटी है आपको नो डाउट 200 पे ही सिलेक्ट करके रखना है। तो अब बात करते हैं हमारा 4GB रैम वाले डिवाइस के सेंसिटिविटी के बारे में। तो अगर आप एक 4GB रैम वाले प्लेयर हो तो आपका जो सेंसिटिविटी आपको रखना है वो है आपको 150 से 170 के बीच में। अभी 150 से 170 के बीच में सुनकर आप लोग थोड़ा घबरा सकते हो कि एग्जैक्ट हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अभी एग्जैक्ट सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहो, सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी 170 के आगे आपको कभी भी नहीं जाना है अगर आपके डिवाइस का रैम 4GB है। अगर आप इससे ज्यादा चले जाओगे तो आपका डिवाइस इससे ज्यादा सेंसिटिविटी झेल नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको 170 पे ही लिमिट लगाना है। तो अभी ये तो हो गया 4GB रैम वालों का सेंसिटिविटी। अभी हम लोग बात करते फ्री फायर की थोड़े अमीर लोग, मतलब जिन लोगों के पास थोड़ा हाई एंड डिवाइस है, जिन लोगों का डिवाइस का रैम 8GB या उससे भी ज्यादा है। तो अगर आपका डिवाइस का रैम 4GB से ज्यादा, मतलब 6GB या 8GB है, तो आपको आपका जो सेंसिटिविटी है उसको 130 से 150 के बीच में रखना है। अभी 150 से ज्यादा आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप 150 से ज्यादा अपने हाई एंड डिवाइस पर सेंसिटिविटी कर दोगे तो इससे आप पृथ्वी का चक्कर काट लोगे। मैंने मेरा एक फ्रेंड का 8GB रैम वाला डिवाइस पे सेंसिटिविटी को हाई करके खेला था, तो मुझसे उससे मैं खेला ही नहीं जा रहा था, मतलब इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए आपको 150 से आगे नहीं जाना है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को डिवाइस के हिसाब से जो सेंसिटिविटी बताया वो एक मिनिमम सा आइडिया था। अभी हम लोग जानेंगे हम लोगों के डिवाइस के हिसाब से एग्जैक्ट सेंसिटिविटी, मतलब एकदम मेन पॉइंट को जानेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, देन पिछले वाले अपडेट पे जो गन से आपका हेडशॉट नहीं लग रहा था आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक से सुनो, जो गन पे हेडशॉट नहीं लग रहा था वो भी पिछले वाले अपडेट में, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा UMP से हेडशॉट नहीं लग रहा था, मैंने UMP को सिलेक्ट कर लिया। आपका भी जो गन पे हेडशॉट नहीं लग रहा था वो आप सिलेक्ट कर लो, चाहे वो आपका M1897 हो सकता है या डेजर्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद सामने वाला जो एनिमी है उसको आपको फायर करना है 4 से 5 टाइम। ऐसा फायर करने के बाद आपको देखना है कि आपका हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपका हेडशॉट लग रहा है तो कांग्रेचुलेशन, आपको आपका सेंसिटिविटी, मतलब परफेक्ट सेंसिटिविटी आपके डिवाइस के हिसाब से मिल चुका है। तो अभी आप गेम के अंदर जाओ एंड धूम मचाओ। अभी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोगों का हेडशॉट नहीं लगेगा। तो उन लोगों को करना क्या है, अगर आपका गन में सिर्फ बॉडी शॉट कनेक्ट हो रहा है तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो सेंसिटिविटी, मतलब मैंने अगर आपको 150 से 170 के बीच में बोला था तो 150 से आपको 5 पॉइंट इंक्रीज करना है अगर आपका गन पे बॉडी शॉट कनेक्ट हो रहा है। मतलब अगर मैंने 150 बोला था तो उसको 155 पे करने के बाद सेम तरीके से फिर से आपको ट्राई करना है। और सेम तरीके से अगर आपका गन रिकॉइल हो रहा है, ठीक से सुनो, अगर आपका गन रिकॉइल हो रहा है तो आपको इंक्रीज ना करके आपको डिक्रीज करना है। अगर मैंने 150 बोला था तो आपको थोड़ा सा डिक्रीज करना है, मतलब 145 पे आपको ट्राई करना है। ऐसे ही 2-3 बार स्टेप को आगे नीचे करोगे तो आपको भी आपका स्वीट स्पॉट मिल जाएगा, मतलब आपके डिवाइस के हिसाब से आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने डिवाइस के हिसाब से आफ्टर अपडेट बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। आई होप मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बाकी सारे क्रिएटरों से अलग तरीके से कैसे अपने डिवाइस के हिसाब से एग्जैक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना है इसके बारे में आप लोगों को समझा पाया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना आगे ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के कंटेंट देखने के लिए। बाकी अगर आप लोग सीएस रैंक टॉप 10 न्यू सीक्रेट हिडन प्लेस का वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग सामने की वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।